In the previous section, we majorly discussed about the replacement for gradual deterioration of the equipment, which may increase maintenance and repair cost with time. But if the equipment fails suddenly and no chance to do repair and maintenance, under this condition replacement is compulsory. अगर सडनली फेल हो गया तो वहाँ पे मेंटेनेंस और रिपेयर हमारा पॉसिबल नहीं होगा, तो वहाँ पर कंपलसरी रिप्लेसमेंट करना होगा. सिस्टम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लो कॉस्ट आइटम्स विच मे कॉज फेलियर ऑफ होल इक्विपमेंट एंड दिस फेलियर ऑफ सच लो कॉस्ट आइटम्स मे स्टॉप होल मशीन. फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस टेक, अगर लेथ मशीन है तो उसके अंदर कोई एक स्मॉल गियर है, वो अगर डैमेज हो गया या फिर उसका फेलियर हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो लेथ मशीन है वो हमारा वर्क नहीं कर पाएगा. ठीक है, या फिर एक सिंपल एलन की है, अगर वो ब्रेक हो गई तो टूल को फिक्स करना है तो वो हम नहीं कर सकते. तो ऐसे कुछ लार्ज जो भी स्मॉल कंपोनेंट्स है जो पूरे मशीन को स्टॉप कर सकते हैं. ठीक है, सो उसके लिए उस अगर वो लो कॉस्ट कंपोनेंट हम अगर एडवांस में रखे तो उससे हमारा टाइम भी बच सकता है और वो मशीन स्टॉप भी नहीं होगा. एट सच टाइम द कंप्लीट ब्रेकडाउन कॉस्ट इज़ वेरी हाई. सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू नो इन एडवांस एज टू when such failure is likely to occur. यानी कि अगर ऐसे टाइप्स के फेलियर को हमको एडवांस में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम प्रिकॉशंस ले सकें, ताकि जो कंप्लीट ब्रेकडाउन है उसको अवॉइड कर सकें. क्योंकि अगर पूरी मशीन लाइन स्टॉप हो जाएगी उस स्मॉल ब्रेकडाउन की वजह से, तो वहाँ पे लॉस बहुत ही ज़्यादा होगा. सो दैट पार्ट्स कैन बी रिप्लेस्ड before it fails. This requires continuous monitoring of such part which is tedious job. और उसके लिए क्या होगा कि सभी parts की हमको continuous monitoring करनी होगी, और उससे क्या होगा जो workload है वो बढ़ जाएगा, and that is difficult to manage. Therefore it is advised to take preventive maintenance of such parts and change such parts before it fails and cause breakdown of the equipment. यानी कि equipment का breakdown हो उससे तो अच्छा है कि preventive maintenance किया जाए उन parts का और उनको पहले ही repair कर लिया जाए. Although when we are doing replacement of such parts, it life might be still, but to avoid breakdown, we change the parts earlier before it fails and cause breakdown. और अब अभी क्या होगा कि वो parts है उसको हम fail होने का wait कर सकते, fail होने के बाद उसका हम replacement कर सकते, लेकिन हम क्या करेंगे उसको earlier replace कर देंगे before breakdown of the component. So the decision when to do the replacement of the parts is based on the probability distribution of failure from the past एक्सपीरियंस. जैसे कि एक बल्ब है वो 1 ईयर के बाद, 1.5 ईयर्स के बाद अगर वो ब्रेक ऑफ फेल हो जा रहा है, ठीक है, सो उसको हम रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर सारे बल्ब्स है, कोई बल्ब 1 साल 2 महीने चल रहा है, ठीक है, कोई बल्ब 1 ही साल चल रहा है, तो ऑन एन एवरेज हम 1 साल के बाद सारे बल्ब्स हैं उनको रिप्लेस कर देंगे बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस डेटा. सो under such conditions there are 2 policies of replacement policies. There are 2 types. First one is individual replacement, and second one is group replacement policy. Now individual policy replacement policy deals with immediate replacement of part as and when it fails.
यानी कि जैसे ही पार्ट अगर फेल हुआ तो इंडिविजुअली, जैसे कि एक बल्ब है तो वो अगर फेल हुआ तो वो उसको इंस्टेंटली वहाँ पे रिप्लेस कर देने का, तो दैट इज़ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। ऑन दी अदर हैंड इन ग्रुप रिप्लेसमेंट दिस पॉलिसी डील्स विद द रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट एट द एंड ऑफ ऑप्टिमल टाइम पीरियड, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, ठीक है, जैसे कि 1 ईयर हमने डिसाइड किया है कि 1 ईयर के बाद पार्ट को है वो ऑप्टिमल टाइम पीरियड के बाद उसको रिप्लेस कर देना है, यानी फिर 6 मंथ डिसाइड किया तो अकॉर्डिंग टू डैट वी हैव टू रिप्लेस द पार्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द पार्ट इज़ फेल्ड और नॉट। यानी कि हमको ये नहीं चेक करना कि वो पार्ट अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट हमको उसको रिप्लेस कर देना है। हियर देर इज़ प्रोविजन फॉर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स इफ़ इट फेल्स बिफोर द ऑप्टिमल टाइम पीरियड, और यहाँ पे हमको एक प्रोविज़न मिलेगा कि जो भी पार्ट है उसको हम इंडिविजुअली रिप्लेस कर सकते हैं इफ़ इट फेल्स बिफोर द ऑप्टिमल टाइम। यानी कि अगर 1 ईयर हमने डिसाइड किया है तो 1 ईयर के पहले, अगर 7 मंथ्स के बाद अगर कोई पार्ट सडन फेलियर हो जाता है तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय द इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। लेकिन अगर 1 ईयर तक अगर कोई भी पार्ट फेल नहीं होता तो 1 ईयर के बाद हम सारे के सारे पार्ट्स ग्रुप रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने 7 मंथ के बाद अगर एक कंपोनेंट रिप्लेस किया है तो फिर भी अगर उसका वो 1 ईयर होने के बाद उसको भी हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द ग्रुप रिप्लेसमेंट थियरी एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर दैट। सो फॉर अप्लाइंग ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी there is number of steps. The first thing we have to do is to assume the N0, the number of component, the total parts installed for which replacement policy is to be decided. Now N0 is the total number of parts, यानी कि कितने parts हैं उनके लिए हमको replacement policy decide करनी है। जो दूसरी चीज़ हमको क्या करनी है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ पार्ट इन द आइथ पीरियड ऑफ यूजेस, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमको कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है इनमें से आइथ पीरियड के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग आइथ पीरियड, यानी कि मंथ है, ईयर है, डे है, ठीक है, उनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमको कैलकुलेट करनी है। द थर्ड थिंग वी हैव टू डू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फेलिंग पार्ट्स इक्वल्स टू न्यू पार्ट्स टू बी इंस्टॉल्ड इन द फर्स्ट ईयर, यानी कि सबसे पहले अगर यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ फेलिंग पार्ट्स, नंबर ऑफ फेलिंग पार्ट्स यानी कितने होंगे कि न्यू पार्ट्स हमने कितने इंस्टॉल किए, न्यू पार्ट्स इंस्टॉल्ड इन द फर्स्ट ईयर, और वी कैन से फॉर N1 पीरियड, N1 में हमने कितने पार्ट्स इंस्टॉल किए, ठीक है। एंड फॉर फर्स्ट ईयर बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ईयर, सो दैट द अमाउंट ऑफ पार्ट्स हैज़ टू बी रिप्लेस ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, और यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए कितने पार्ट्स, टोटल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स हमको रिप्लेस करने पड़ेंगे, सो N1 विल बी इक्वल टू N0, यानी कि टोटल पार्ट्स इंटू प्रोबेबिलिटी P1, जो फर्स्ट ईयर के लिए जो प्रोबेबिलिटी, यानी कि N1 नंबर ऑफ पार्ट्स हमको रिप्लेस करने पड़ेंगे, यानी कि इतने पार्ट्स हमको रिप्लेस करने पड़ेंगे ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज फॉर सेकेंड ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ पार्ट्स आर सम ऑफ टू लेयर फेलियर, फर्स्ट लेयर इज ऑफ पार्ट विच आर इंस्टॉल्ड ऑन जीरोथ ईयर विच मे फेल इन द सेकेंड ईयर, एज वेल एज द सेकेंड लेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आर न्यूली इंस्टॉल्ड इन द फर्स्ट ईयर इन टू बी कंसिडरेड, सो
फॉर नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फॉर सेकेंड ईयर. वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फॉर सेकेंड ईयर. यानी कि सबसे पहले अगर जीरोथ ईयर की डिस्कस करें, जीरोथ ईयर टू फर्स्ट ईयर, यानी कि जीरोथ ईयर से फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने तक हमने कितने पार्ट रिप्लेस किए, N1 इज इक्वल टू N0 इंटू P1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स थे उन, और फर्स्ट ईयर में फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, P1. ठीक है. सो सपोज यहाँ पे अगर 10 पार्ट्स थे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 0.1 है, ठीक है. सो यहाँ पे एक पार्ट फर्स्ट ईयर में फेल हुआ, ठीक है. सो यहाँ पे ये 1 पार्ट हुआ. अभी जब सेकंड ईयर होगा तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर कंप्लीट होने तक कौन कौन से पार्ट फेल हो रहे हैं, ठीक है, उनको हमको इंडिविजुअली रिप्लेस करना पड़ेगा. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, N0 यानी कि जो इनिशियली पार्ट्स थे इनटू P2, दिस विल बी दी अवर N2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ड्यूरिंग सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर खत्म होने के बाद तक कितनी प्रोबेबिलिटी है फेलियर की, ठीक है. और यहाँ पे हमने क्या किया था, ग्रुप रिप्लेसमेंट कर दिया था. सेकेंड ईयर के बाद भी ग्रुप रिप्लेसमेंट हो जाएगा. अभी यहाँ पे एक और, यहाँ पे ये जो एक पार्ट है वो हमने इंडिविजुअली रिप्लेस किया था, तो उसके लिए तो वो फर्स्ट ईयर होगा. तो उसके लिए यानी कि यहाँ पे कितना साल कंप्लीट हुआ, 1 साल कंप्लीट हुआ, ठीक है. तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगी, यहाँ पे N1 इंटू P1 अकॉर्डिंग टू दिस, जो 1 साल के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है वही होगी, क्योंकि ये एक कंपोनेंट है. सो वो 1 साल की जो प्रोबेबिलिटी होगी अकॉर्डिंग टू दैट, उसका फेलियर हो सकता है. सपोज़ यहाँ पे हम इंक्रीज कर दें, सपोज 100 कंपोनेंट्स, सो यहाँ पे 10 कंपोनेंट्स फेल हुए. सो 10 की जो प्रोबेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू दैट, यहाँ पे एक कंपोनेंट फेल हो सकता है 10 में से, ठीक है. सो ये और ये वाला पोर्शन यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेकेंड ईयर विल बी N0 प्लस P2 इंटू P2 प्लस N1 इंटू P1. सो दिस विल बी द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ड्यूरिंग सेकेंड ईयर. सेम वे फॉर द थर्ड ईयर वी हैव द थ्री लेयर्स. फर्स्ट लेयर इज अ पार्ट इंस्टॉल्ड इन द जीरोथ ईयर. देन फॉर द सेकेंड लेयर विल बी कंसिडरिंग द पार्ट्स विच आर हैविंग द सेकेंड लेयर इन विच वी इंट्रोड्यूस्ड फॉर द सेकेंड ईयर एंड फॉर द थर्ड लेयर इन विच द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड पार्ट्स. सो द टोटल फेलियर विल बी एडिंग ऑफ ऑल. सो फॉर द फिफ्थ पॉइंट इज फॉर थर्ड ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर विल बी गिवन बाय NO इंटू P3 प्लस N1 इंटू P2 प्लस N2 इंटू P1. नाउ फॉलो द सेम प्रोसीजर फॉर सबसिक्वेंट ईयर्स. सो दिस इज द फाइनल स्टेप एंड सिलेक्ट द ईयर विच हैज मिनिमम कॉस्ट. नाउ फॉर ऑल ईयर्स वी हैव टू कैलकुलेट एंड वी हैव टू फाइंड आउट विच ईयर हैज़ द मिनिमम कॉस्ट. नाउ लेट अस टेक वन एग्जाम्पल. फॉलोइंग फेलियर रेट्स हैव बीन ऑब्जर्व फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ लाइट बल्ब्स. मंथ इज गिवन एंड परसेंटेज ऑफ फेलियर बाय द एंड ऑफ मंथ. यानी कि जो 10% एक मंथ कंप्लीट होने के बाद 10% बल्ब्स है वो फेल हो जा रहा है, ठीक है. 2 मंथ्स के बाद 25% वी आर टॉकिंग अबाउट. सो 3 और अप टू 5 मंथ्स, अगर 5 मंथ्स के बाद 100% बल्ब्स फेल हो जा रहे हैं. नाउ देर आर टोटल 1000 बल्ब्स इन यूज. इट कॉस्ट ₹10 टू रिप्लेस देम इंडिविजुअली. अगर वो फेल हो गया तो उसको इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट का कॉस्ट कितना है, ₹10. इफ़ ऑल बल्ब्स आर रिप्लेस्ड सिमल्टेनियसली, अगर सारे के सारे बल्ब्स को हमको रिप्लेस करना है ग्रुप रिप्लेसमेंट, तो उसके लिए सिर्फ
₹4 लगेंगे पर बल्ब। नाउ टू पॉलिसीज आर बीइंग कंसिडरेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ बल्ब्स। फर्स्ट, रिप्लेस ऑल द बल्ब साइमल्टेनियसली एट फिक्स्ड इंटरवल वेदर फेल्ड और नॉट। यानी कि सबसे पहले क्या करना है कि रिप्लेस कर देना है सारे के बल्ब्स को एट द फिक्स्ड इंटरवल, एक फिक्स इंटरवल के बाद, यानी कि मंथ कंप्लीट होने के बाद सारे के सारे बल्ब्स को रिप्लेस कर देना है अगर वो फेल हुए या नहीं हुए। एंड डू इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट इन इंटरमीडिएट पीरियड्स, और इंटरमीडिएट पीरियड्स में उसका इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करना है। अगर 1 मंथ के पहले अगर फेलियर हो जा रहा है तो वो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट में आएगा। सेकेंडली, द इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ बल्ब्स एज एंड व्हेन इट फेल्स। और दूसरा केस क्या कर सकते हैं कि ग्रुप रिप्लेसमेंट हम नेगलेक्ट कर देंगे और जैसे जैसे बल्ब फेल होगा वैसे वैसे हम उसका रिप्लेसमेंट करते जाएंगे। सो हमको लास्ट में क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द ऑप्टिमम पॉलिसी फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ बल्ब ऑन अबोव फेलियर डेटा एंड कॉस्ट। यानी कि ऑप्टिमम पॉलिसी कौन सी होगी, ग्रुप रिप्लेसमेंट या इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो हियर द टोटल बल्ब्स इन द फैक्ट्री आर, टोटल बल्ब्स N0 इज इक्वल टू 1000। नाउ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज ₹10 एंड ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज ₹4। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फॉर प्रोबेबिलिटी, यानी पे n इज इक्वल टू स्मॉल n इज इक्वल टू 5 मंथ्स तक का है टाइम, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फॉर एवरी मंथ। सबसे पहले मंथ के लिए P1 जो प्रोबेबिलिटी है वो परसेंटेज में दी गई है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.1% होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। P2 विल बी 0.25, P3 फॉर थर्ड मंथ इट विल बी 0.5, P4 विल बी 0.8, P5 इज इक्वल टू 100%, यानी कि वहाँ पे 1%। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले P1 की प्रोबेबिलिटी है उसमें से P2 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे माइनस होगी, 25% में से 10% तो फेल हो गए। सो यानी कि यहाँ पे P2 की इज इक्वल टू कितना होगा 0.25, यहाँ पे 1.0, 0.25 माइनस 0.1 यानी कि माइनस 0.1, यानी कि यहाँ पे P2 इज इक्वल टू कितना आएगा 0.15 फॉर सेकेंड ईयर। उसके बाद हमको क्या करना है, 0.5 में से 0.25 पिछले जो मंथ की प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है उसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, इट विल बी 0.25। सिमिलरली यहाँ पे कितना माइनस होगा 0.5, सो इट विल बी इक्वल टू 0.3। एंड लास्ट में 1 में से 0.8 माइनस होगा, इट विल बी 0.20। यानी कि यहाँ पे क्या किया कि जो प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट मंथ की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी 0.1, सेकेंड मंथ की प्रोबेबिलिटी 25 माइनस 10, सो P2 विल बी इक्वल टू 0.15, P3 इज इक्वल टू 0.50 माइनस 25, इट विल बी 0.25, 80 माइनस 50, सो P4 विल बी इक्वल्स टू 0.3, एंड लास्ट P5 विल बी इक्वल टू 1 माइनस 80, विच मीन्स 0.20। सो आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फेलियर्स। फॉर दैट वी हैव टू प्रिपेयर अ टेबल इन विच द वीक आर गिवन, देन फेलियर प्रोबेबिलिटी इज गिवन, क्वांटिटी टू बी रिप्लेस एंड एवरेज लाइफ। सबसे पहले फेलियर प्रोबेबिलिटी जो हमने फाइंड आउट की एवरी ईयर के लिए, सबसे पहले 0 होगी और यहाँ पे सॉरी इट विल बी मंथ। सो तो क्वांटिटी हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, सो यहाँ पे कितनी होगी क्वांटिटी, 1000 है सबसे पहले, 0 यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे कितनी रिप्लेसमेंट करनी होगी 0, उसके बाद यहाँ पे कितनी रिप्लेसमेंट करनी होगी 1000 इंटू 0.1, उसके बाद सेम वे 1000 इंटू 0.15। सिमिलरली वी हैव टू
रिप्लेस देम, और जो बीच में जो फेल हो गए उनका इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करना होगा। यानी कि यहाँ पे 1 ईयर से 2 ईयर तक जो पार्ट फेल होंगे, ठीक है, यानी कि सबसे पहली जो क्वांटिटी मिली, सबसे पहले 0 मिला, उसके बाद यहाँ पे 50 मिला, 1000 × 50, उसके बाद सेकंड जो है वो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इट विल बी इक्वल टू, पॉइंट यहाँ पे जो ये 50 बल्ब्स है, ठीक है, उनका फेलियर 1 ईयर के अकॉर्डिंग होगा, 1 साल उनका कंप्लीट होगा सेकंड ईयर के लिए, और जो बाकी के जो 1000 बल्ब्स हैं उनका फेलियर किसके अकॉर्डिंग होगा, 0.15 के अकॉर्डिंग। यानी कि 1 बल्ब का क्या होगा, यहाँ पे क्या इक्वेशन आएगा, 1000 × 0.15 प्लस 50 × 0.1, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर आएगा 80। अगेन जो ये वाला बल्ब है 80 बल्ब्स, उनका फेलियर अकॉर्डिंग टू 1 ईयर होगा, 1 साल उनका कंप्लीट हुआ 80 बल्ब्स का, सो इट विल बी 80 × 0.10, क्योंकि 1 साल का फेलियर प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.10। फिर जो 50 बल्ब्स है उनकी फेलियर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उनका 2 साल कंप्लीट हुआ इसलिए उनका 2 साल के अकॉर्डिंग क्या होगा, 50 × 0.10। और बाकी जो यहाँ पे थर्ड ईयर के लिए जो प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 1000 × 0.25। सो इन सबको सम करेंगे सो द आंसर विल बी 141। सिमिलरली वी विल फाइंड फॉर द फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। नाउ द एवरेज लाइफ इज़ टू बी कैलकुलेटेड। एवरेज लाइफ यहाँ पे कैलकुलेट करनी है सबकी। सो यहाँ पे एवरेज लाइफ कैलकुलेट करना है तो क्या होगा कि जो भी फेलियर प्रोबेबिलिटी है उसका मंथ के साथ मल्टीप्लीकेशन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये मंथ है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ हमको यहाँ पे मिल जाएगी विथ मल्टीप्लाइंग द फेलियर प्रोबेबिलिटी। नाउ स्टेप टू इज टू कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। यानी कि इंडिविजुअल नाउ टू डिसाइड वेदर टू गो फॉर द इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट और ग्रुप रिप्लेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेटिंग द एवरेज लाइफ ऑफ बल्ब एज द फॉलोइंग। यानी कि एवरेज लाइफ कैलकुलेट करनी है, सो एवरेज लाइफ का इक्वेशन है, एवरेज लाइफ इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n i × pi। यानी कि फर्स्ट मंथ है और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी है, 0. और उसकी एवरेज लाइफ 1। फिर दूसरे मंथ के लिए इट विल बी प्रोबेबिलिटी विल बी 0.15। थर्ड मंथ के लिए 0.25। फोर्थ मंथ के लिए 0.30 और फिफ्थ मंथ के लिए 0.20। सो द एवरेज लाइफ विल बी 3.35। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इन सब का सम करेंगे तो भी हमको यही आंसर मिलेगा, 3.35। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एवरेज लाइफ। एंड द एवरेज नंबर ऑफ फेलियर पर पीरियड विल बी जो 1000 बल्ब्स है डिवाइडेड बाय दिस 3.35। सो यानी कि एवरेज 299 बल्ब्स जो है अप्रोक्सीमेटली फेल होंगे, ठीक है। यहाँ पे एवरेज फेलियर पीरियड हमको कैलकुलेट करना है, यानी कि एवरेज नंबर ऑफ फेलियर पर पीरियड इज इक्वल टू 1000 / 3.35। सो 299 बल्ब्स फेल होंगे। सो टोटल कॉस्ट फॉर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 299, और इंडिविजुअल कॉस्ट 10 रुपीज़ पर बल्ब है। सो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट के लिए क्या होगा, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट विल बी इक्वल टू 299 × 100, 2990 रुपीज़। सो दिस विल बी द इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेप 3 इज टू कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर ग्रुप रिप्लेसमेंट। अभी ग्रुप रिप्लेसमेंट हमको करना है, ग्रुप रिप्लेसमेंट करेंगे। सो ग्रुप रिप्लेसमेंट के लिए क्या करना होगा, फॉर
फॉर ग्रुप रिप्लेसमेंट इट विल बी फर्स्ट फर्स्ट मंथ के लिए क्या होगा, जो भी 1000 बल्ब्स है ठीक है, उनका अगर ग्रुप रिप्लेसमेंट कर देंगे फर्स्ट मंथ के बाद, तो उसका कॉस्ट क्या होगा, 1000 बल्ब और 4 रुपीज़ का कॉस्ट है, यानी कि 1000 × 4, और 1 मंथ कंप्लीट होने तक कितने बल्ब्स फेल होंगे, दैट विल वो हमने इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट में फाइंड किया था, 100 बल्ब्स फेल हो रहे थे आगे वाले टेबल में इसे यूज़ करके, सो उसका कॉस्ट कितना होगा, 100 × 10, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की कॉस्ट 10 रुपीज़ है। फिर सेकेंड मंथ के लिए हमको क्या करना है, सेम वे 1000 × 4 प्लस यहाँ पे जो ये 100 बल्ब्स है और जो यहाँ पे 160 बल्ब्स से उनका इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट होगा ठीक है, सो 160 प्लस ये 100 बल्ब्स, सो यहाँ पे कितना होगा, 100 × 10 प्लस 160 × 10, सो यहाँ पे सिमिलरली थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ईयर के लिए हमको टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट फाइंड करनी है, और यहाँ पे एवरेज कॉस्ट हमको कैसे मिलेगी पर मंथ के लिए, सो एवरेज कॉस्ट यहाँ पे कितनी मिलेगी, जो भी ग्रुप रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है डिवाइडेड बाय मंथ, यानी कि 700 डिवाइडेड बाय दिस टोटल ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सॉरी दीज आर रिटन बाय मिस्टेक, द एक्चुअल आंसर फॉर द टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू दिस विल बी द मंथ एंड हियर द टोटल कॉस्ट विल बी फॉर फर्स्ट मंथ विल बी 5000, सो हियर एवरेज कॉस्ट ऑल्सो विल बी 5000, फॉर सेकेंड मंथ इट विल बी 6600 डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बी 3300 पर मंथ, अगेन इट विल बी फॉर 3 मंथ इट इज़ 9410 इफ़ यू कैलकुलेट, एंड द एवरेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय 3 विच मीन्स 3137, देन फॉर फोर्थ मंथ इट इज़ 13180 डिवाइडेड बाय 4, सो इट विल बी 3295, और लास्ट के लिए 16680 डिवाइडेड बाय 5, सो इट विल बी 3336। नाउ वी कैन सी फॉर द थर्ड मंथ वी हैव द मिनिमम एवरेज कॉस्ट पर मंथ, यानी कि 3137 है वो हमको क्या मिली, मिनिमम कॉस्ट फॉर दैट मंथ, सो हियर वी टेक वी एवरेज इज टेकन आउट एंड द मिनिमम कॉस्ट इज एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के बाद हमको क्या मिलेगी, मिनिमम कॉस्ट, सो वी शुड रिप्लेस ऑल द बल्ब्स एट दैट टाइम, हियर द इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी हैज़ लीस्ट कॉस्ट देन ग्रुप रिप्लेसमेंट, यहाँ पे थर्ड मंथ पे अगर ग्रुप रिप्लेसमेंट करेंगे तो थर्ड मंथ पे हमको ग्रुप रिप्लेसमेंट करना होगा ठीक है, इफ़ यू एक्सेप्ट द ग्रुप रिप्लेसमेंट, सो यहाँ पे कॉस्ट कितनी होगी, 3135 37, और इंडिविजुअल के लिए क्या मिली थी हमको कॉस्ट, इंडिविजुअल के लिए हमको मिली थी 2990, सो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट हमको बेनिफिशियल होगा इंस्टेड ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट एंड डिसाइड वेदर टू चूज ग्रुप रिप्लेसमेंट और इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, सो दिस इज इट फॉर टूडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली, हैव अ नाइस।